राजधानी पटना में नहीं थम रही हत्या की घटनाएं, आक्रोशित लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। बिहार की राजधानी पटना में लगातार हत्याओं की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बीते दिनों जमीनी कारोबारी जय को मंडई मोड़ पर तीन युवकों ने रुकने का इशारा किया। जय के रुकते ही उन लोगों ने 2-3 मिनट तक जय से बातचीत की। बातचीत के दौरान ही अपराधियों ने पिस्टल निकाल कर गोली मार दी। जय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला जय के ऊपर लगभग 40 से 45 गोलियां चलाई गई थी। अभी इस घटना की आग बुझी भी नहीं थी, तब तक 12 तारीख को शाम मुख्यमंत्री के आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सारण जिले के जलालपुर निवासी एवं इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गए। एक हफ्ते के अंदर 2 घटनाओं से राजधानी पटना बिल्कुल दहल सी गई है, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तारी के शिकंजे से बाहर हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर आज पटना के रमुना रोड से गांधी मैदान तक पटना के लोगों के द्वारा एवं जय के परिवार के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें जय की पत्नी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फफक कर रोने लगी। बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथी गुलाम रजा खान की खास रिपोर्ट देखिए। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो बाबू को लेना दिन दहाड़े सुल्तानगंज थाना से 4 कदम की दूरी पे कर दी गई है दरगाह रोड पे। दिन दहाड़े 4 बजे जिसमें पूर्व पार्षद नियाज खान जो अभी वर्तमान पार्षद अर्जु बेगम के पति हैं, उनके भाई आरिफ और आफ्ताब, पुलिस के पास सारी चीज की जानकारी है कि हत्या में किन लोगों का हाथ है, संलिप्तता है, पर आज 20 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी भी एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं है। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे डर है कि मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग। बिहार पुलिस पर कितना भरोसा है कि इंसाफ आपको दिलाएंगे? बिहार पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। मैं SSP से खुद मिली हूँ, अपनी बेटी छोटी सी बेटी को लेके जाके मिली हूँ। SP जितेंद्र कुमार से भी मिली हूँ, उन लोग कहते हैं केस एक है और उसको एक मर्डर की तरह मानते हैं और आज नहीं तो कल उसका खुल जाएगा, बस ये वो सोचते हैं। मांगे क्या है आप? मेरा मांगे जो खुलेआम घूम रहे हैं, जो पार्षद हैं, पार्षद पहुंच वाले लोग हैं, उनको सरकार संरक्षण दे रही है और पुलिस भी संरक्षण दे रही है, दोनों संरक्षण दे रही है। हम तो यही जानते हैं कि कोई भी इतना पहुँच वाला आदमी को लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, बस उन लोग पस्त है, सब सरकार भी पस्त है उनके सामने, अपराधी के सामने, और पुलिस प्रशासन भी पस्त है, और कुछ नहीं बोल रहा है। दबाव में काम कर रही है बिहार पुलिस, आपको लग रहा है बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में बिहार पुलिस भी आ चुकी है? कुछ नहीं काम कर रही है। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई 4 बजे, वो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ एक काम कर रहे थे, उस काम को रोकने के लिए लोग दबाव बना के रंगदारी मांगने के लिए, उस काम को छुड़वाने के लिए उन लोग हत्या कर दी, की वो काम ना करे वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम की पत्नी गुड़िया अहमद जया अहमद की दिवंगत। करो तो डूब पड़ो।